गाइस वेलकम बैक दी अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं, आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी में तो घूमना बनता है, तो आज जाते जाते हैं देखते हैं दही हंडी अगर कहीं फूटता है तो आपको दिखाता हूँ। मुंबई में दही हंडी सबसे ज्यादा जुहू में वैसे फूटता है सबसे अच्छा, और जुहू में एक इस्कॉन टेम्पल भी है, वहां भी चलेंगे, वर्सोवा का भी देख लेंगे। और कहाँ जाएंगे, सब जगह बनता है मुंबई में, मुंबई में ऑलमोस्ट सारे जगह दही हंडी टूटती है, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो मैं निकल चुका हूँ वर्सोवा की इस तंग गलियों से और मिलते हैं हम आपको आगे इस्कॉन टेम्पल के पास। तो हम एयरपोर्ट आ गए हैं, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना है। अरे बंद हो चुका, अरे बंद हो गया, नहीं जा सकते ये भाई है और भाई का ये बाइक जो देख रहे हो घर, ये जलसा है अमिताभ जी का बंगला, समझ गए, ये जलसा। लेकिन यहाँ से नाम हटा दे क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत आ जाती है, भीड़ लग जाती है, इसलिए यहाँ से हटा दिया फटाफट। भाई भीड़ नहीं चाहिए, पुलिस वाले नहीं झेल पाते है ना भाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल। आज जन्माष्टमी है और आज के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है, देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, मंदिर नहीं दिख रहे यहाँ से। ये देखो गाइस क्या दिखा, रोल्स रॉयस और ये लंबरगिनी देख रहे हैं, येलो कलर की लंबरगिनी, महंगी महंगी गाड़ी जा रही है भाई। तो हम फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन बहुत है, यहाँ देख सकते हो पब्लिक भी बहुत है, यहाँ चप्पल के लिए लाइन लगी हुई है, तो हम यहाँ पहले चप्पल जमा करेंगे, क्योंकि चप्पल कीमती होता है भाई, नंगे पाँव नहीं जा सकते मंदिर के अंदर, ऑब्वियसली किधर जमा करना, आ जाओ यहाँ जमा करते हैं अपना चप्पल। हाँ अपने चप्पल जमा कर दिए और कूपन भी ले लिए, ये देख सकते हो इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, पूरा टेंट वगैरह लगा हुआ है। आज जो स्पेशल जन्माष्टमी का है ना, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, चलो देखते हैं फटाफट दर्शन करते हैं, क्योंकि भीड़ हमें भी नहीं लगानी चाहिए, लोगों को भी दर्शन करने देना चाहिए। तो हम लोग दर्शन करके निकल जाएंगे, उसके बाद में Enjoy everybody. Look at guys. Look at. ये जाने के लिए जो भीड़ लगी हुई है, अरे हमारी भीड़ है, ये हमारी भीड़ है पर्सनल। तो ये देखिए हम मंदिर के अंदर आ गए, देख सकते हो बहुत भीड़ है और अच्छा खासा व्यवस्था किया गया है। ये देखिए मंदिर का अंदर का नज़ारा है, मुझे वीडियो बनाने के लिए नहीं दिया गया लेकिन फिर भी मैंने बनाया है, देखिए थोड़े से भगवान नज़र आए होंगे, बहुत अच्छा सजाया था, लेकिन ये गलत था कि खुद वीडियो बना रहे थे और मुझे वीडियो बनाने नहीं दिए उन लोगों ने। मंदिर से एग्जिट कर गए क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ये देखिए मंदिर के बाहर हमें ये मिले परिचय, बट हम मंदिर के पूरे परिक्रमा करने के बाद निकले हैं और ये देखिए थोड़ी भीड़, हमें दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में हम बाहर निकल गए क्योंकि मुझे और भी कहीं नहीं जाना था, कुछ कुछ चीज़ें तो गलत लगती है यार, क्या करें। तो हमने मंदिर में दर्शन किए भगवान के, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो लगता है मुझे कि नहीं होनी चाहिए, जैसे भगवान किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो लोग लिखे हैं ना कि भगवान से मिलने के लिए प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए पास बनवाए, क्या है भाई, व्हाट इज, मतलब भगवान तुम्हारे पर्सनल हो गए, उनसे मिलने के लिए पास की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, वाह। एक रोड पे चल रहे हैं, ठीक है,
एक के लिए बैरिकेड लगाया गया है, वीआईपी एंट्री, बड़ी गाड़ी देखी नहीं कि गाड़ी हटा दी, रोड टैक्स तो हम भी भर रहे हैं ना भाई, तो सबके लिए रूल अलग अलग क्यों बना रहे हो, तुम्हारे बाप का प्रॉपर्टी है क्या? मैं बस भी नहीं मिला, ऑटो भी नहीं मिला, हम पाव गाड़ी से जा रहे हैं 11 नंबर की बस पकड़ के। सबसे बेस्ट है पाव गाड़ी, थोड़ा सा जो मोटापा है ना मेरा वो थोड़ा खत्म हो जाएगा, तो आप कुछ खा के ले सकते हो आराम से, लेकिन आप फास्ट चीज क्या खा सकते हो तुम? तेरा इसका फास्ट ओवर हो गया, मेरा फास्ट ओवर हो सकता है, आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं, चलते हैं, क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत है और मटका जो फूटने का प्रोग्राम चल रहा है ना उसके चक्कर में और बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना ही घर समझो, सब अपना है।